Hello students, I, am going to solve the problem of, the problems of the book Concepts of Physics written by Dr. S. C. Verma in part 4 of the third chapter Rest and Motion, Kinematics of class 11. Starting from problem question number 18, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन इफ इट टेक्स फाइव सेकेंड टू रीच द स्पीड एटीन किलोमीटर पर आवर फाइंड ए द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड बी द डिस्टेंस टेबल्ड बाय द पार्टिकल इन दिस पीरियड एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता है दैट इज यू इज कल टू जीरो इनिशियल स्पीड यू इज जीरो एंड मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सलेशन उसका मोशन जो है एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट है स्ट्रेट लाइन मोशन है रेक्टिनियर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीटेड मोशन का केस हो गया ये इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीटेड मोशन यूज होगा और ये टेक्स फाइव सेकेंड टी इज कल टू टाइम इज कल टू फाइव सेकेंड फाइव पॉइंट जीरो सेकेंड दैट इज फाइव सेकेंड टू टेक टू रीच द स्पीड फाइनल स्पीड एटीन किलोमीटर पर आवर दैट इज फाइनल स्पीड वी इज कल टू एटीन किलोमीटर पर आवर दैट इज 18 अपॉन 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड वन किलोमीटर पर आवर इज 5 अपॉन्ट 18 मीटर पर सेकेंड और जो स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड में 5 बाई एटीन मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड वन किलोमीटर पर आवर का वैल्यू फाइव अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड दैट इज फाइव बाई एटीन एटीन कैंसिल हो गया दैट इज फाइव मीटर पर सेकेंड तो फाइनल स्पीड हो गया इनिशियल स्पीड जीरो रेस्ट में था आर्टिकल फाइनल स्पीड अटेंड किया ज कॉल वी कॉन्स टू वी कॉन्स टू फाइव मीटर पर सेकेंड तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टाइम इंटरवल टाइम टेकन टाइम इंटरवल तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें ये कवर्ड बाय द बॉडी इन फाइव सेकंड कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फाइव सेकंड कैलकुलेट करना होगा तब ये पार्ट का आंसर आएगा लेकिन द डिस्टेंस टेवर्ड बाय द पार्टिकल इन दिस पीरियड कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो सेकेंड पार्ट का आंसर पहले सोल्यूशन पहले कर देता हूँ उसके बाद डिस्टेंस फाइव सेकेंड में पार्टिकल जो जितना कवर करेगा वो आ जाएगा और टाइम फाइव सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो उस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी भी ऑप्टेन हो तो तो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम इंटरवल तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एक्सेलेसेशन ऑफ द पार्टिकल बिकॉज एक्सेलेशन इज नॉट गिवन तो एक्सेलेशन ऑफ द पार्टिकल इज अ स्मॉल ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी यूज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीटेड मोशन भी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी देर फॉर ए इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम फाइनल स्पीड इज फाइव इनिशियल स्पीड इज जीरो और टाइम इज फाइव तो फाइव अपॉन फाइव दैट इज फाइव अपॉन फाइव दैट इज वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन ऑफ द एक्सलेसन ऑफ द पार्ट इज वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सलेशन हो गया एक्सलेशन ऑफ द पार्ट किल ऑफ द पार्ट फॉर ऑफ द इज यूजिंग द माइनस यू अपॉन टी भी इज फाइव मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड इज जीरो पार्ट के लिस्ट में था और टाइम टेकन इज फाइव दैट इज फाइव अपॉन फाइव डैट इज वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी इन फाइव सेकेंड तो पहले पार्ट बी का आंसर करते हैं अगर एस आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई द पार्ट इन फाइव सेकंड एवरेज वरुसिटी भी आ जाएगा तो नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दिस इज द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड रेक्टिलियर मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन स्टेट लाइन में हो रहा है तो उसका इक्वेशन है तो यू विजकल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई इन फाइव सेकेंड मीन्स टोटल स्टार्ट फ्राम टोटल मैंने देट मीन्स जीरो टू फाइव सेकेंड स्टार्टिंग स्टार्ट में उसका टाइम स्टार्टिंग टाइम जीरो है स्टार्टिंग टाइम जीरो है तो so जीरो से फाइव सेकेंड में फाइव सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो कैलकुलेट करना है नॉट एट द फिफ्थ सेकेंड उसके लिए अलग फार्मूला है एस फिफ्थ एस एन टू तो, एस एन वाला फार्मूला है इसमें एस टोटल स्टार्ट से टोटल जीरो टू तो फाइव सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करना है वो फार्मूला है एस इज कल टू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर और एन एस एन एस सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकुलर टाइम पर फिफ्थ सेकंड में सिक्स सेकेंड में उसके लिए अलग फार्मूला है तो ये स्टार्ट से हुआ तो यू इज टू जीरो टाइम इजकल टू फाइव प्लस हाफ़ इज वन टाइम इज फाइव स्क्वायर इज जीरो फर्स्ट टर्म टू जीरो ही हो गया सेकेंड टर्म रहेगा फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू दैट इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर मीटर आंसर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज ट्वेल्व पॉइंट कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड द सॉरी पार्टिकल इन फाइव सेकेंड इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर अब डिस्टेंस कवर्ड हो गया फाइव सेकेंड में तब हमको अब हमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब फाइव सेकेंड में कितना एवरेज वेलोसिटी होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फाइव सेकेंड एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फाइव सेकंड टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इन टेकेंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज एस अपॉन टी टाइम इंटरवल टी है टी टू माइनस टी वन डेट इज टी माइनस जीरो फाइव सेकेंड है तो एस अपॉन टी ही हो गया दैट इज एस इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव और टी इज इज कॉल टू फाइव डिस्टेंस कवर बाई द पार्टिकल इन फाइव सेकंड इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर और टाइम इंटरवल जीरो टू फाइव एवरेज फेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई टाइम इंटरवल तो टाइम इंटरवल फाइव माइनस जीरो टी माइनस जीरो स्टार्टिंग टाइम तो जीरो ही है दैट इज टी हो गया तेज अपॉन टी तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव अपॉन फाइव डैट इज डिवाइड करने के बाद ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम फाइव से डिवाइड करेंगे टू टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी एवरेज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी एवरेज भी ए वी सिम्बॉल इसका वी ए वी वैक्टर और मॉड हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी का मॉड तो एवरेज स्पीड हो जाएगा और यहाँ एवरेज वेलोसिटी भी ए भी वैक्टर इज चल टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए एंड सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्ट केल इन फाइव सेकंड इज ट्वेल्व मीटर तो ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया टोटली uh, सॉल्व हो गया दोनों पार्ट आप लोग इसे लिख लें अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नेक्स्ट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू सॉल्व now problem number 19 a driver takes 0.20 second to apply the brakes after he sees to need for it this is called the reaction time of the driver if he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6 m per second square find the distance traveled by the car after he sees uh, the need to put the brakes on एक ड्राइवर है जो कि कार चला रहा है और यह डिसीजन करने में कि कार में ब्रेक लगाना है उसको जीरो पॉइंट टू ज़ीरो सेकेंड मतलब जीरो पॉइंट टू सेकेंड लग गया इस टाइम को रिएक्शन टाइम कहा जाएगा जितना उसको सोचने में समय लगा कि अब ब्रेक लगाना चाहिए डेट टाइम इज़ कॉल्ड रिएक्शन टाइम तो रिएक्शन टाइम में तो बडी जितना स्पीड है उतने स्पीड से चलते थी, चलते रहेगी 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इनिशियल स्पीड जिस स्पीड से कार चल रही थी तो इतना ही स्पीड यूनिफॉर्म उस से रिएक्शन टाइम में भी कार चलती रहेगी और जब ब्रेक लगाएगा तब तो एक्सलेशन में, में उसका डिसलेशन होगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड तो में कमी आएगी लेकिन रिएक्शन टाइम में तो वही स्पीड रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड से कार चलेगी और डिसलेशन होता है सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो ब्रेक अप्लाई किया रिएक्शन टाइम के बाद जितना देर उसको लगा सोचने में कि अब लगाना चाहिए थिंक करने में ब्रेक लगाने की जरूरत है तो उतना समय में उतना समय में कार जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया तो रिएक्शन टाइम में भी कार ने कुछ डिस्टेंस कवर, कवर कर लिया इसलिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द रिएक्शन टाइम प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक व्हेन फाइनली इट स्टॉप्स तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन रिएक्शन टाइम रिएक्शन देने में ड्राइवर को जितना समय लगा कि डिसीजन लेने में कि अब कार ब्रेक लगाना चाहिए तो उस टाइम में भी कार यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा था कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया और प्लस ब्रेक लगाने के बाद डिस्लेशन प्रोवाइड हुआ डिसलेशन प्रोवाइड हुआ, हुआ कार में तो उसके बाद भी रुकने तक कार जब स्टॉप करेगा तब तक डिस्टेंस कवर कर लेगा तो टोटल डिस्टेंस जो है रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस और प्लस ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो तो डिस्टेंस कवर किया कार दोनों के सम के इक्वल होगा नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बट आई हैव डिफाइन द रिएक्शन टाइम आई हैव एक्सप्लेन द रिएक्शन टाइम तो रिएक्शन टाइम इज जीरो पॉइंट टू जीरो रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर टी इज कल टू जीरो पॉइंट टू जीरो सेकेंड दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट टू सेकेंड नाउ इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज यू सिम्बॉल ऑफ इनिशियल स्पीड इज यू जो प्रारंभिक चाल है कार का उसको स्मॉल यू सिम्बॉल से डिनोट करते हैं फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर और इसे भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए एसआई यूनिट में तो वन किलोमीटर पर आवर इज फाइव अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड दैट इज फिफ्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड वी हैव लेफ्ट विथ फाइव मीटर पर सेकेंड दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड विथ विच द कार द कार ट्रेवल्स इन रिएक्शन इन इन द रिएक्शन टाइम एज वेल इसी स्पीड से कार रिएक्शन टाइम में जब तक वो सोच रहा है कि ब्रेक लगे ब्रेक लगाया जाए तब तक कार इसी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करेगा द यू इज कल टू फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर दैट इज़ फिफ्टी फोर अपॉन फाइव अपॉन एटीन दैट इज एटीन मल्टीप्लाई बाई थ्री फिफ्टी फोर दैट इज़ फिफ्टीन मीटर फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड तो फिफ्टी फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर इज़ फिफ्टी फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव एटीन मीटर पर सेकेंड और एटीन मल्टीप्लाई बाई थ्री इज फिफ्टी फोर दैट इज थ्री इंटू फाइव दैट इज़ वन फाइव मीटर पर सेकेंड इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इन एस आई सिस्टम नाउट डिस्टेलेशन एजकल टू नेगेटिव होगा डिस्टेलेशन में माइनस साइन सिक्स पॉइंट जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नट्टी सिक्स माइनस सिक्स मीटर पर पर सेकेंड स्क्वायर तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार्ड निकालना है टोटल डिस्टेंसेस निकालना है लेकिन हमको पहले निकाल लेते हैं रिएक्शन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया और प्लस उसके बाद एक, रिटार्डेशन के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया जिससे कि फाइनल स्पीड उसका जीरो हो गया फाइनल स्पीड फाइनल स्पीड हो जाएगा उसका कितना डिस्टलेशन के बाद फाइनल स्पीड हो जाएगा जीरो कार जो है रुक जाएगी डिस्टलेशन प्रोवाइड करने के बाद कार स्टॉप हो जाएगी तो उसका फाइनल स्पीड जीरो हो गया तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है एस कवर्ड बाई द कार ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम एज वेल एज ड्यूरिंग द रिटार्डेशन टाइम तो ना वो रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन द रिएक्शन टाइम कवर्ड बाई द कार इन द रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम इज डिस्टेंस इज कल टू एस वन सपोज इट इज एस वन इजकल टू वेलोसिटी इन टू टाइम वेलोसिटी यू इनिशियल स्पीड जो है ये डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम यू इन टी रिएक्शन टाइम और यू इज फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड एंड टी इज जीरो पॉइंट टू सेकेंड रिएक्शन टाइम है उसको सोचने में लगा थिंक करने में लगा ड्राइवर को कि अब ब्रेक लगाना चाहिए तब तक कार जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया और कितना कर लिया फ़िफ्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू ज़ीरो पॉइंट टू डैट इज़ थ्री पॉइंट जीरो फिफ्टीन इंटू जीरो पॉइंट टू थ्री पॉइंट जीरो मीटर दैट इज़ थ्री मीटर ड्राइवर के सोचते सोचते कि अब ब्रेक लगाना चाहिए थिंक करते हुए सोच रहा है कि अब लगाना चाहिए ब्रेक तब तक थिंक थ्री मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया कार अब उसने ब्रेक लगाया तब आपको डिस्टेंस में निकालना है कि ब्रेक लगाने के बाद कितना करेगा तो उस समय इजिशियल वेजिसिटी वही होगा ब्रेक लगाने के समय फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड होगा और डिसलेशन दिया हुआ है और टाइम आपका तो हम ए, अप्लाई करेंगे टाइम तो रिएक्शन टाइम था ये था जीरो पॉइंट टू सेकेंड था अब ब्रेक अप्लाई किया और उसके बाद उसको ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुकने में कितना समय लगेगा ये निकाल लीजिए टाइम टेकन बाई द कार टू अ स्टॉप टू टीजकल टू टाइम टेकन बाई द कार टू स्टॉप टाइम टेकन तब डिस्टेंस निकल जाएगा ए, कितना रिटार्डेशन पीरियड में डिस्टेंस कवर कर टाइम टेकन बाई द कार टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक कार टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इज t इक्वल्स टू भी माइनस यू अपॉन ए डैट इज़ फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड जीरो इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड वही है 54 किलोमीटर पर आवर और डिसलेशन इज जीरो पॉइंट डिसलेशन इज माइनस सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज टाइम इज दिस टाइम इज दिस टाइम इज माइनस दिस टाइम इज इसके बाद इधर दिस टाइम इज टी इक्वल्स टू फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन बाई माइनस सिक्सटीन जैती फिफ्टीन बाई सिक्स फिफ्टीन बाई सिक्स और थ्री से कैंसिल होगा फाइव टाइम और ये हो गया थ्री टू टाइम्स सिक्स फाइव बाई टू दैट इज टू पॉइंट फाइव सेकेंड द टू पॉइंट फाइव सेकेंड इज द टाइम टेकन बाई द कार टू स्टॉप वेन ब्रेक्स आर अप्लाइड नाउ वी हैव टू वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार ड्यूरिंग द डिस्टलेन पीरियड इन टू पॉइंट फाइव सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा टू पॉइंट फाइव सेकंड में कार रुक जाएगी तो इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकालना है कैलकुलेट करना है एस टू होगा टोटल जो टाइम हो जाएगा एस वन प्लस एस टू मतलब रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया थ्री मीटर पर सेकेंड और प्लस रिटार्डेशन uh, पीरियड में टू पॉइंट फाइव सेकंड में जाकर टू पॉइंट फाइव सेकेंड के बाद कार रुक जाएगी तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया s2 एस uh, टू और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एस वन प्लस एस टू नाउ स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार ड्यूरिंग द डिस्टेशन पीरियड कैन बी अपेंड बाई यूजिंग द फॉर्मूला S equals to V square minus U square, square upon 2A without using the time taken by the car to a stop after applying the brake. So a stopping distance of the car, a stopping distance of the carriage, is S2. This distance will S2. बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू टू ए फाइनल स्पीड इज जीरो कार जब रुक जाएगी फाइनली इनिशियल स्पीड था 54 किलोमीटर पर आवर रिएक्शन टाइम में भी यही स्पीड से इनिशियल स्पीड से कार मोशन में थी दैट इज 15 15 मीटर पर सेकेंड और टू डिसलेशन इज माइनस सिक्स डैट इज ज़ीरो फिफ्टीन स्क्वायर दैट इज जीरो माइनस फिफ्टीन स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव अपॉन माइनस ट्वेल्व डैट इज माइनस टू 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 फाइव अपॉन माइनस टू टू फाइव अपॉन माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और टू टू फाइव अपॉन ट्वेल्व तो टू टू फाइव अपॉन ट्वेल्व हो जाएगा एस टू इक्वल्स टू डिवाइड कर देंगे ट्वेल्थ से टू टू फाइव में ये वन टाइम पहले पहली बार ट्वेल्व टेन एट टाइम

एस टू इक्वल्स टू एटीन पॉइंट सेवन फाइव मीटर एटीन पॉइंट सेवन फाइव डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने के बाद एटीन पॉइंट सेवन फाइव मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद कार रुक जाएगी द कार विल स्टॉप कवरिंग एट डिस्टेंस एटीन पॉइंट सेवन मीटर आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड इन द कार सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इज इजक्वल टू रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन द रिएक्शन टाइम विच इज विच वाज एस वन इजक्वल टू थ्री मीटर एंड एंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस वैन द ब्रेक्स आर अप्लाइड तो दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार कवर्ड बाई द कार इज एस इक्वल्स टू थ्री मीटर प्लस एस वन प्लस एस टू एस वन प्लस एस टू डेट इज थ्री मीटर एस वन था रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया कार रिएक्शन टाइम में कार चलता रहा तब तक ड्राइवर डिसीजन नहीं ले पाया डेस्टन डिसीजन लेने में जीरो पॉइंट टू सेकेंड की देर हो गई जो कि रिएक्शन टाइम था तब तक वह थिंक किया कि ब्रेक लगाना चाहिए तब तक कार चल गई कि थ्री मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया तो थ्री और ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब कार रुक गई तो वह डिस्टेंस है एटीन पॉइंट सेवन फाइव मीटर डैट इज 21 18 plus 3 that is 21.75 meter and it is nearly 20 22 meter answer. This is the distance uh, total distance covered by the car. This is the final answer. This is the final answer of the problem total distance covered by the car. एज 21.75 मीटर मीटर नेट इज 22 मीटर नाउ प्रॉब्लम 20 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टेबल दिया हुआ है जिसमें कि कार मॉडल है ड्राइवर एक्स है उसका रिएक्शन टाइम दोनों का 0.20 सेकंड है और ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम 0.30 सेकंड है और कार कार मॉडल ए, ए का जो डिसलेसन है हार्ड ब्रेकिंग के ऑन हार्ड ब्रेकिंग सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्पीड है कार एक्स ड्राइवर एक्स के लिए मॉडल कार मॉडल ए क्या ए एक के लिए जो ड्राइवर एक्स है उसका स्पीड है फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर और ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है बी फिर ड्राइवर वाई के लिए रिएक्शन टाइम जीरो पॉइंट थ्री जीरो सेकेंड है तो स्पीड है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर और ब्रेकिंग डिस्टेंस सी निकालना है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है उसी से कार मॉडल बी के लिए डिसन ऑन हार्ड ब्रेकिंग इज सेवन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड है स्पीड है का, का, कार कार मॉडल बी का ड्राइवर एक्स के लिए फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ये निकालना है तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस सिर्फ निकालना है और फिर आ, कार मॉडल बी के लिए कार मॉडल बी के बी का जिसमें कि ड्राइवर वाई के लिए स्पीड सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर ब्रेकिंग डिस्टेंस जी है वो निकालना है और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है तो इसमें ढेर सारी चीज़ें निकालना है स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग प्रत्येक कार के मॉडल के कार के लिए और इसका जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था उसी ढंग से कुछ है तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट अब हम देखते हैं कार कार मॉडल ए के लिए फॉर कार मॉडल ए के लिए पहले निकाल लेते हैं हम सभी चीज़ फॉर कार मॉडल ए उसके बाद कार मॉडल बी के लिए कार मॉडल ए के लिए और ड्राइवर एक्स है उसमें भी कार मॉडल ए के लिए दोनों ड्राइवर एक्स और ड्राइवर वाई है फिर कार मॉडल बी में भी ड्राइवर एक्स ड्राइवर वाई है तो कार मॉडल ए के लिए ड्राइवर एक्स का रिएक्शन टाइम दिया हुआ है ड्राइवर एक्स ड्राइवर एक्स और कार मॉडल का जो डिसलेशन दिया हुआ है वो दोनों ही केस में सेम होगा कार मॉडल ए का जो डिसलेशन है दोनों ही सिचुएशन में ड्राइवर एक्स और ड्राइवर वाई के लिए सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है तो कार मॉडल ए के लिए ड्राइवर का जो एक्स का जो रिएक्शन टाइम है वह है तो, जितना समय सोचने में लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए उसको थिंक करने में वो रिएक्शन टाइम है तब तक कुछ डिस्टेंस कवर कर गई मोटर कार जीरो पॉइंट टू जीरो सेकेंड है दैट इज ज़ीरो पॉइंट टू सेकेंड जीरो पॉइंट टू सेकेंड हो गया तो और कार मॉडल का जो एक्सेलेसन है ऑफ द कार ए मॉडल कार ई का जो एक्सेलेसन है वो ए एक्सेलेसन का सिम्बॉल ए हो गया कार मॉडल ए के लिए, लिए कैपिटल ए नीचे दे, दे देते हैं दैट इज एक्स ऑफ़ कार मॉडल ए माइनस सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हार्ट ब्रेकिंग के बाद तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा अब जो और स्पीड है उसका फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है इनिशियल स्पीड वही है फाइनल स्पीड जीरो होगा तो यू ए कार के लिए जो स्पीड है कार ए के लिए वह मैंने कार मॉडल ए के लिए मैंने ड्राइवर एक्स के लिए जो स्पीड है एक जिस ड्राइवर जिसमें ड्राइवर जिसमें ड्राइवर एक्स जिसको ड्राइवर एक चला रहा है उसका जो स्पीड है वह कितना है स्पीड फॉर ड्राइवर एक्स के लिए जो कि कार मॉडल ए के लिए ही है तो एक्स के लिए स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर दैट इज़ 54 फोर अपॉन फाइव बाई एटीन दैट इज 3 किलोमीटर 54 फोर इंटू फाइव बाई एटीन एस में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड दैट इज एटीन टाइम थ्री इज फिफ्टी फोर फिफ्टीन मीटर दैट इज़ फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड हो गया और फाइनल स्पीड तो ज़ीरो होगा इसका कार जब रुक जाएगी ब्रेक लगाने के बाद तो फाइनल स्पीड तो जीरो होना ही है स्पीड फाइनल ज़ीरो हो गया तो स्टॉप में हम निकाल लेते हैं इसमें ए, ए, कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा ये निकाल लेना है और कितना रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा कितना होगा डिस्टेंस कवर इन द रिएक्शन टाइम टोटल डिस्टेंस आपको भी निकालना है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस भी निकालना है आपको ब्रेकिंग टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस रुकने में टोटल दूरी तो उसमें ए, जो आपका रिएक्शन टाइम में भी डिस्टेंस है प्लस ब्रेकिंग दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो आ, आपका भी कल टू जीरो होगा फाइनल स्पीड तो ये ड्राइवर एक्स के लिए ए, कार मॉडल का, ए का जो है ये रिएक्शन थी रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना हो जाएगा एस वन रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस करेगा वो वेलोसिटी टू टाइम तो वेलोसिटी 15 है रिएक्शन टाइम 0.2 है तो ये हो गया थ्री थ्री मीटर और नाउ डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा वी स्क्वायर ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ फॉर ड्राइवर एक्स और कार मॉडल ए ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द कार मॉडल ए फॉर ड्राइवर एक्स जिसको ड्राइवर एक्स चला रहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस एस टू इक्वल्स टू हो गया वी स्क्वायर एस वन तो निकल गया रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस होगा कवर्ड बाय द ड्राइवर पर अथी ड्राइवर एक्स फॉर कार मॉडल है थ्री मीटर नाउ स्टॉपिंग डिस्टेंस इस साइड में लिख देते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार रन बाय द ड्राइवर एक्स स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार कार मॉडल ए है जिसका ड्राइवर एक्स है कार मॉडल ए फॉर ड्राइवर एक्स कार मॉडल ए ड्राइवर एक्स चला रहा है उसको और मॉडल ए के लिए दैट इज एस इज टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए फाइनल स्पीड इज जीरो इनिशियल स्पीड इज फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन टू रिटार्डेशन देता है एज का टू माइनस सिक्स इसके पहले वाला प्रॉब्लम में जो सॉल्व uh, किए थे जो प्रॉब्लम था वो वह वही चीज है माइनस फिफ्टीन स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव माइनस टू ट्वेंटी फाइव अपॉन माइनस ट्वेल्व डैट इज माइनस माइनस कैंसिल हो गया डैट इज एटीन पॉइंट सेवन फाइव मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया एस टू ये स्टॉपिंग तो थी ब्रेकिंग ये ये हो गया आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस ए हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस जो ये स्टॉपिंग का ही है ब्रेकिंग डिस्टेंस दिया है प्रॉब्लम में तो ब्रेकिंग लिख देता हूँ लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस ही है ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है शुरू से ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द कार मॉडल ए इसको माना है स्मॉल ए इसको स्मॉल ए मान लिया है एस टू के जगह हम स्मॉल ए कर देते हैं एस टू इक्वल्स टू स्मॉल ए जो दिया है प्रॉब्लम में तो स्मॉल ए आ गया 18.78 पॉइंट सेवन एट सेवन फाइव मीटर स्मॉल ए डेट फॉर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये थ्री मीटर प्लस एट टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस स्मॉल भी हो गया और कार मॉडल ए सो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर कार मॉडल ए टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस डिस्टेंस और कार मॉडल ए ए विच इज रन बाई द ड्राइवर एक्स इज इक्वल टू थ्री मीटर उसने रिएक्शन टाइम में कवर कर लिया था अब कर लिया 18.75 मीटर डेट इज 18 प्लस थ्री ट्वेंटी तो नियरली 22 मीटर जस्ट सिमिलर टू प्रीवियस प्रॉब्लम तो ये आंसर हो गया कार मॉडल ए के लिए अब कार मॉडल बी के लिए भी ड्राइवर वाई, वाई के लिए कार मॉडल बी के लिए भी निकाल लेते हैं उसके बाद ड्राइवर वाई के लिए कार मॉडल ए का ये हम ये ब्रेकिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसी ढंग से फिर कार मॉडल बी के लिए भी निकल जाएगा ड्राइवर एक्स के लिए और फिर ड्राइवर वाई के लिए अब हम ड्राइवर वाई के लिए कार मॉडल ए के लिए ड्राइवर वाई जिस जिस कार को चला रहा है कार मॉडल ए को उसके लिए जो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या वो निकाल लेते हैं अब फिर उसी ढंग से फिर कार मॉडल बी के लिए भी इसी ढंग से निकल जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा नाउ फॉर अगेन फॉर कार मॉडल A बट फॉर ड्राइवर वाई रिएक्शन टाइम इज़ जीरो पॉइंट थ्री ज़ीरो सेकेंड थ्री जीरो सेक पॉइंट थ्री सेकेंड में रिएक्शन टाइम है जब उसको ब्रेक लगाने जब ब्रेक लगाने का डिसीजन लिया और उसमें जो सोच उसमें जो थिंक किया तो उसमें जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड फाइनली जब ब्रेक लगाया तो जीरो पॉइंट डिसीजन लेने के पॉइंट थ्री सेकेंड के बाद वह ब्रेक अप्लाई किया तो ये रिएक्शन टाइम हो गया तो रिएक्शन टाइम में स्पीड है स्पीड है कार का कार मॉडल ए का ड्राइवर वाई के लिए जिस कार को ड्राइवर वाई चला रहा है उसी कार मॉडल ए का कार जिसको ड्राइवर वाई चला रहा है उसी मॉडल का कार है लेकिन स्पीड है यूजल टू स्पीड है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर डैट इज़ सेवेंटी टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड एटीन मल्टीप्लाइड बाई फोर सेवेंटी टू दैट इज़ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड और फाइनल स्पीड तो उसका जीरो होगा तो फर्स्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा ड्राइवर वाई के लिए कार मॉडल ए का ही कार मॉडल ए ही है लेकिन ड्राइवर वाई जो जिसको चला रहा है उस कार का तो वीजकल टू वीजकल टू जीरो फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर डाइटी सेवेंटी टू मल्टीप्लाई बाई फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड जीरो हो गया उसका तो पहले रिएक्शन टाइम में जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड है कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो निकाल लेते हैं तो रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा डिस्टेंस तो टाइम टेकन टाइम टेकन बाई ड्राइवर बाई ड्राइवर वाई बाई द ड्राइवर वाई फॉर कार मॉडल ए ही ड्राइवर वाई टू डिस्टेंस कवर्ट बाई सॉरी डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन द रिएक्शन टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार मॉडल ए विच इज विच इज रन वाईड ड्राइवर वाई तो डिस्टेंस विच इज रन वाईड रन वाईड ड्राइवर वाई डिस्टेंस कवर्ड वाई द कार मॉडल ए बाई द कार फॉर ड्राइवर वाई जिसको ड्राइवर वाई रन कर रहा है फॉर ड्राइवर वाई ड्राइवर वाई इज दिस डिस्टेंस इज एस वन इज कल टू स्पीड इन टू टाइम तो स्पीड हो गया ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड रिएक्शन टाइम जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड दैट इज सिक्स मीटर ट्वेंटी मल्टीप्लाई वाई जीरो पॉइंट थ्री सिक्स मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया अब आपको निकालना है स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस पहले ब्रेक लगाने पर कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस तो ये अभी है उसमें डिस्टेंस कवर बाय द कार ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम फॉर ड्राइवर बाई इन द इन रिएक्शन टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम इन इन द रिएक्शन टाइम ये डिस्टेंस रिएक्शन टाइम में निकाला गया है रिएक्शन टाइम जो कि कितना है ज़ीरो पॉइंट थ्री सेकेंड फॉर ड्राइवर बाई स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द कार स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार मॉडल बी कार मॉडल ए फॉर ड्राइवर वाई विच इज ऑन बाई द ड्राइवर वाई इज अस्टॉपिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस इसमें दिया है सी ए भी तो निकल ही गया था ड्राइवर एक्स जो गाड़ी कार मॉडल ए को ड्राइव कर रहा था उसके लिए स्टॉप ब्रेकिंग डिस्टेंस ए और स्टॉप टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस बी निकाल निकाल चुके थे अब सी निकालना है इसमें ड्राइवर वाई के लिए कार मॉडल ए का ही तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा ये सी हो गया सी इज कल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए और भी ज़ीरो और यू इज इनिशियल स्पीड इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ट्वेंटी स्क्वायर अपॉन टू इन टू एक्सलेशन इज कार मॉडल ए के लिए एक्सलेशन दोनों ड्राइवर के लिए एक्स के लिए और वाई के लिए जिस कार को रन कर रहा है तो उसका सिक्स मीटर पर सेकेंड है तो माइनस सिक्स डेट इज इक्वल्स टू स्टॉपिंग डिस्टेंस सिक्स मीटर इसका आया है वाई के लिए इसको याद रखना है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस सेस हो गया देर फॉर कार मॉडल ए फॉर ड्राइवर वाई स्टॉपिंग डिस्टेंस सी इज्कल टू माइनस ट्वेंटी स्क्वायर डेट इज माइनस फोर हंड्रेड अपॉन माइनस ट्वेल्व ये कैंसिल हो गया और ये भी फोर से फोर इंटू थ्री ट्वेल्व हो गया ये हंड्रेड हो गया हंड्रेड अपॉन थ्री थर्टी थ्री पॉइंट थ्री ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया डेट फोर टोटल स्टॉपिंग ये ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया दिस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस सी ब्रेकिंग डिस्टेंस सी और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कर सकते हैं इसको लेकिन टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा स्टार्ट से होगा जिसमें कि रिएक्शन टाइम में भी डिस्टेंस कवर किया गया वो देअर टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार मॉडल ए रन बाय रन बाय ड्राइवर वाई रन बाय ड्राइवर वाई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार मोडल ए ही है लेकिन रन वाई ड्राइवर फॉर ड्राइवर वाई कार मोडल ए ही है लेकिन फॉर ड्राइवर वाई एज टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इसमें डी दिया है स्मॉल डी सी निकल गया ए भी पहले ही फर्स्ट पार्ट में ही निकल गया था और इसके पहले ही ड्राइवर एक्स के लिए कार मॉडल ए का ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस तो डी इज टू डी इज इक्वल टू इसमें सिक्स मीटर जो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस कवर किया और इसमें थर्टी थ्री पॉइंट थ्री मीटर तो डैट इज थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स थर्टी थ्री प्लस सिक्स थर्टी नाइन थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मीटर नियरली ये थर्टी नाइन मीटर ही है नियरली थर्टी नाइन मीटर थर्टी नाइन पॉइंट थ्री मीटर दैट इज थर्टी नाइन मीटर इसका हो गया कार मॉडल ए के लिए फॉर ड्राइवर भी जब रिएक्शन टाइम जीरो पॉइंट थ्री जीरो सेकेंड है तो उसमें टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस सी हो गया और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस डी मिल गया तो ये कार मॉडल ए के लिए हो गया जिसको ड्राइवर एक्स रन कर रहा था और फिर दूसरा ड्राइवर वाई रिएक्शन टाइम अलग अलग था जीरो पॉइंट टू जीरो और जीरो पॉइंट थ्री जीरो अब कार मॉडल बी के लिए है रिएक्शन टाइम है सेवन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन स्पीड वही है फिफ्टी फोर किलोमीटर पर आवर ड्राइवर एक्स जिस कार को चला रहा है और कार मॉडल बी के लिए ही ड्राइवर वाई जब कार मॉडल बी को चला रहा है तो स्पीड है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर तो उसमें अभी निकालना है ब्रेकिंग डिस्टेंस टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस एफ फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस जी ड्राइवर वाई के लिए कार मॉडल बी का और फिर एच नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर कार मॉडल बी विच हैज At distillation 7.5 meter per second square after applying hard brakes. And reaction time for driver X is for uh, um, car model, uh, car model B is also 0 0.20 second, and for driver Y it is 0 0.30 second, as was in the case of uh, car model, car model A for driver X and Y respectively. So Now uh, we have to solve braking, we have to solve. Uh, ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर कार मॉडल बी फॉर ड्राइवर एक्स एंड ड्राइवर वाई तो डिस्टेंस कवर बाई ड्राइवर एक्स फॉर कार मॉडल बी नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर कार मॉडल बी मॉडल बी रिएक्शन टाइम में जो ड्राइवर एक्स के लिए जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो कितना होगा ये डिस्टेंस कवर्ड बाई इन रिएक्शन टाइम फॉर ड्राइवर एक्स फॉर कार मॉडल बी और ड्राइवर एक्स के लिए है और ड्राइवर एक्स रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस 54 किलोमीटर पर आवर के साथ जो डिस्टेंस थी कार जो कार रन कर रही है ड्राइवर एक्स द्वारा चलाई जा रही है कार मॉडल बी की कार तो वह डिस्टेंस कितना कवर करेगा इनिशियल स्पीड हो जाएगा यू इजकल टू फिफ्टी फ़ोर किलोमीटर पर आवर दैट इज़ 54 फ़ोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड डैट इज फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल स्पीड हो गया और फाइनल स्पीड तो फिर ज़ीरो होगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार रुकेगी और स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है ब्रेकिंग डिस्टेंस तो ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा एस इक्वल्स टू ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है एस वन जिसको प्रॉब्लम में स्मॉली माना है एस वन इजकल टू स्मॉली इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए और एक्सलेशन ऑफ द कार मॉडल बी इज ए इक्वल्स टू डिसन ऑफ द कार ए इक्वल्स टू डिसन ऑफ द कार ए इक्वल्स टू माइनस सेवन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार मॉडल ए का डिसलेसन था कार मॉडल ए की जो कारें थी कार्स थी उसका डिसलेशन कितना था माइनस सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कार मॉडल बी की जो कार्स हैं उसका डिसलेशन है इस कार का माइनस सेवन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नाउ वी हैव है जीरो स्क्वायर भी टू जीरो स्क्वायर फाइनल स्पीड जीरो है यू इजकल टू माइनस फिफ्टीन स्क्वायर अपॉन टू और रिटारेशन ऑफ द कार इज माइनस सेवन पॉइंट फाइव माइनस सेवन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डैट इज माइनस फिफ्टीन स्क्वायर माइनस टू टू फाइव अपॉन टू सेवन इंटू सेवन पॉइंट फाइव इंटू टू डेट इज वन पॉइंट ये सेवेंटी फाइव इंटू टू वन फिफ्टी फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन फिफ्टीन ये कैंसिल हो गया माइनस अब ये हो गया आपको ये फिफ्टीन ये फिफ्टीन टू 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 फाइव से फिफ्टीन से डिवाइड करेंगे फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन टू टू फाइव होता है फिफ्टीन हो गया दैट इज़ फिफ्टीन मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार एस वन इजक्ल टू स्मॉली जिसे प्रॉब्लम में दिया है इस्मॉली इक्वल टू फिफ्टीन मीटर स्मॉल स्मॉली डॉट डॉट है तो फिल ऑफ द ब्लैंक हो गया ईजक्ल टू फिफ्टीन मीटर और टोटल टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ऑफ ऑफ़ द कार ऑफ ऑफ़ द कार जिसका मॉडल बी है रन बाय द ड्राइवर एक्स टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द कार फॉर ड्राइवर एक्स फॉर ड्राइवर एक्स इज ड्राइवर x इक्वल टू रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस था s1 वन कितना था 7.5 पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्पीड था और रिएक्शन टाइम 0.2 है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा सॉरी ये स्पीड था ये तो डिस्लेशन हो गया स्पीड था 54 किलोमीटर पर आवर तो डैट इज़ 15 15 मीटर पर सेकेंड तो 15 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.2 पॉइंट टू डेट इज थ्री मीटर तो टोटल डिस्टेंस हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर थ्री मीटर और प्लस स्टॉपिंग डिस्टेंस है फिफ्टीन मीटर डेट इज एटीन मीटर आंसर और ये हो गया uh, इस इसको इसका नाम दिया है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस को एफ दिस इज इक्वल टू एफ एफ हो गया टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस डिस इज द आंसर नाउ इन लास्ट फॉर ड्राइवर वाई फॉर ड्राइवर वाई रिएक्शन टाइम इज रिएक्शन टाइम है जीरो पॉइंट थ्री जीरो सेकेंड तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कवर्ड बाय द ऐसा स्पीड इज सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर कार मॉडल बी के लिए ही जो ड्राइवर रन uh, कर रहा है ड्राइवर कार मॉडल बी की कार को एक कार को ड्राइवर वाई मॉडल अथी कर रहा है रन कर रहा है तो उसका रिएक्शन टाइम जो है जीरो पॉइंट थ्री सेकेंड है स्पीड है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर तो फॉर ड्राइवर वाई हो गया कार मॉडल वाई के लिए ही फॉर ड्राइवर वो एक्स के लिए था कार मॉडल वही था लेकिन ड्राइवर एक्स रन कर रहा था इसको ड्राइवर वाई कर रहा है इसके लिए रिएक्शन टाइम जीरो पॉइंट थ्री जीरो सेकेंड है तो डिस्टेंस का भर्ट बाई द और स्पीड कितना है फाइनल इनिशियल स्पीड कार का सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर दैट इज़ सेवेंटी टू अपॉन इंटू मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड दैट इज एटीन मल्टीप्लाइड बाई फोर सेवेंटी टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सो डिस्टेंस का भर्ट बाई द कार इन द रिएक्शन टाइम उसको हम एस वन मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं तो वेलोसिटी इंटू टाइम टाइम इज़ ज़ ज़ीरो पॉइंट थ्री जीरो दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट थ्री दैट इज थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स पॉइंट जीरो दैट इज सिक्स मीटर डिस्टेंस कवर बाई द कार बाई डिस्टेंस कवर बाई द कार विच इज ड्राइव्ड बाई द ड्राइवर बी एंड द इट इज कार मॉडल बी कार मॉडल बी का बी की एक कार है और डिस्टेंस कवर करेगा कितना रिएक्शन टाइम जीरो पॉइंट थ्री सेकंड में सिक्स मीटर स्पीड इंटू टाइम स्पीड है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड जीरो होगा फाइनल स्पीड ऑफ द कार ब्रेक हार्ड ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है स्मॉल जी उसको एस टू को हम स्मॉल जी कहेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर एस टू इज कल टू जी स्मॉल जी मान लिया है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए इज जीरो फाइनल स्पीड इज ज़ीरो इनिशियल स्पीड इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड क्योंकि सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर है अपॉन टू आई इक्वल टू है माइनस रिटार्डेशन है इसमें रिटार्डेशन uh, कार का है बी मॉडल की कार का सेवन पॉइंट फाइव इज माइनस ट्वेंटी स्क्वायर फोर हंड्रेड और ये हो गया सेवन सेवन पॉइंट टू इंटू माइनस सेवन पॉइंट फाइव इंटू टू डेट इज फिफ्टीन कैंसिल हो गया और फाइव से कैंसिल uh, हो जाएगा फाइव से फाइव थ्री टाइम्स फिफ्टीन और एट 80 एट्टी अपॉन थ्री डेट इज थ्री टू टाइम्स थ्री इंटू टू सिक्स और टू बचे थी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट ट्वेंटी सिक्स मीटर नियरली ट्वेंटी सिक्स मीटर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट समथिंग दैट इज़ ट्वेंटी सिक्स मीटर इसको मान लेंगे ट्वेंटी सिक्स मीटर देयर फॉर टोटल ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस नाउ टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा वह हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द रिएक्शन टाइम 0.3 पॉइंट थ्री सेकेंड दैट इज़ सिक्स मीटर और प्लस ट्वेंटी सिक्स मीटर डेट इज़ थर्टी टू मीटर therefore now total stopping distance for total stopping distance for driver y of the car model b stopping distance total stopping distance for the car run by driver y ऑफ कार मॉडल बी बी की ही कार है कार मॉडल बी की एज उसमें एज निकालना है एज इज टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार कार ऑफ कार मॉडल बी इन इन द रिएक्शन टाइम विच इज एस वन सिक्स मीटर प्लस ये डिस्टेंस जो कवर किया जी इज ट्वेंटी सिक्स मीटर ट्वेंटी सिक्स मीटर नियरली डेट इज थर्टी टू मीटर आंसर So this uh, problem is the solution of this problem is completed. Now I am going to take the last problem is of this part. One correction in the in the problem 20 for the braking distance G for car model Y, uh, car model B, which is run by the driver Y. तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ये इज कल टू वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर अपॉन टू अपॉन टू इज द डिसलेसन और फाइनल स्पीड इज इनिशियल स्पीड वाज ट्वेंटी ट्वेंटी स्क्वायर अपॉन टू और डिसलेसन ऑफ द कार मॉडल बी इज माइनस सेवन पॉइंट फाइव इज माइनस फोर हंड्रेड अपॉन माइनस फिफ्टीन सेवन पॉइंट फाइव इंटू टू इज एटी अपॉन थ्री और ये एटी अपॉन थ्री थ्री से डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स हमने लिखा था नियरली तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स दैट इज ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन होगा मीटर दैट इज ट्वेंटी सेवन मीटर तो बुक के आंसर में ट्वेंटी सेवन मीटर है तो उसको ट्वेंटी सिक्स से पॉइंट सिक्स है तो इसलिए ट्वेंटी सेवन ले लिया है नियरली हमने केवल ट्वेंटी सिक्स के बाद छोड़ दिया था उतना ही करके तो एंड टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार मॉडल कार बी ऑफ मॉडल बी कार मॉडल कार ऑफ कार मॉडल बी विच इज़ रन वाई द ड्राइवर वाइज टोटल डिस्टेंस कवर्ड वाइड द कार ऑफ मॉडल बी इन द रिएक्शन टाइम रिएक्सन टाइम इज ज़ीरो पॉइंट थ्री सेकेंड एंड द स्पीड इज स्पीड इज सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर डैट इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई जीरो पॉइंट थ्री डैट इज सिक्स मीटर एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस स्मॉल जी इज सेवेंटी ट्वेंटी सिक्स मीटर जिसका क्या आंसर आया ये और तो सिक्स मीटर जो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस है प्लस ये ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है कार uh, का ब्रेक लगाने के बाद जितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गया दैट इज सिक्स मीटर प्लस ट्वेंटी सेवन मीटर दैट इज ट्वेंटी थ्री मीटर दिस इज द आंसर विच इज दिस आंसर इज ऑल्सो गिवेन इन द बुक टेक्स्ट बुक अर्लियर आई हैव टेकन इट एज ट्वेंटी टू मीटर बिकॉज आई हैव टेकन ओनली ट्वेंटी सिक्स मीटर नियरली तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन है पॉइंट फाइव से ज़्यादा है इसलिए ट्वेंटी सिक्स मीटर नियरली इसको uh, uh, ट्वेंटी सिक्स मीटर इससे ज़्यादा एक सही होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ एंड दिस डिस्टेंस टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार बी फॉर ड्राइवर वाई इज इवन जी आफ्टर जी इट इज एच इन द प्रॉब्लम एच का वैल्यू फिल अप द ब्लैंक मैंने डॉट डॉट है फिल अप द ब्लैंक दैट इज ट्वेंटी थ्री मीटर्स टोटल इट इज एच विच इज इवन इन द बुक प्रॉब्लम नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पार्ट पार्ट फोर ऑफ द चैप्टर थ्री ऑफ द बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बै डॉक्टर एससी वर्मा द प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑफ द बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिस्ज ए पुलिस जीपी चेसिंग ए कंप्रीट गोयिंग ऑन ए मोटर बैइक द मोटर बैक क्रॉसेस्

चोरी या कोई दोषी है कल्प्रिट उसका पीछा कर रही है जो मोटर बाइक से जा रहा है और मोटर बाइक का जो स्पीड है स्पीड है टर्निंग पर किसी टर्निंग पर स्पीड है सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर तो स्पीड ऑफ कल्प्रिट वी सी सी फॉर कल्प्रिट वी स्पीड स्पीड फॉर कल्प्रिट आई हैव आई हैव आई हैव यूज द सिम्बॉल वी सी और स्पीड ऑफ द कल्प्रिट विच इज सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर दैट इज सेवेंटी टू इंटू फाइव अपॉन एटीन मीटर पर सेकेंड दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाई फोर सेवेंटी टू एटीन से कैंसिल can, uh, हो गया दैट इज फोर फोर इंटू फाइव फोर से कैंसिल हो गया फोर टाइम्स दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द कल्प्रिट एट द टर्निंग टर्निंग का कोई पॉइंट होगा मान लिया कि पॉइंट वन है वहाँ से सेकेंड पॉइंट उसके बाद सीधा कल्प्रिट आगे जाएगा तो टेन सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये हम निकाल लेंगे तो उतना डिस्टेंस जो है उतना डिस्टेंस जो है पुलिस पुलिस जीप पीछे रह जाएगा अब उसको कैचअप करना है तो उसको कितना मैंने हाउ फार द टर्निंग विल द जीप कैचअप बाइक तो टर्निंग से कितने दूरी पर जो है उसको uh, कितने uh, कितने डिस्टेंस पर उसको पकड़ लेगा ये पूछ रहा है दोनों का स्पीड जो है कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है ये कल्प्रिट हो गया और ये स्पीड ऑफ द पुलिस मैन इज भी पी पी फॉर पुलिस मैन तो पुलिस जीप बी पी नाइन्टी किलोमीटर पर आवर दैट इज नाइन्टी इंटू फाइव अपॉन एटी मीटर पर सेकेंड दैट इज फाइव एटीन मल्टीप्लाइड बाई फाइव नाइन्टी एटी सेकेंड से हुआ फाइव हो गया तो फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव डैट इज़ ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड ये एस आई में हो गया ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड अब टेन सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा टर्निंग से द मोटर द मोटर बाइक क्रॉसेज द टर्निंग विथ अ स्पीड ऑफ सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर द जीप फॉलो इट एट अ स्पीड ऑफ नाइन्टी किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द टर्निंग टेन सेकेंड लेटर मैंने जीप जो तो है दस सेकेंड के बाद पहुँच रहा है टर्निंग पर तब तक कल्प्रिट वहाँ से निकल चुका था तो टर्निंग से तब तक वह कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा वो डिस्टेंस हम निकाल तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द बाइक कल्प्रिट बाइक डिटेंस कवर्ड बाई द कल्प्रिट बाइक बाई द बाइक इन टेन सेकेंड टेन सेकेंड इज डिस्टेंस इज कल टू स्पीड अ स्पीड ऑफ द कल्प्रिट भी सी इंटू टाइम टाइम इज टेन सेकेंड टाइम टी अ स्पीड ऑफ द कल्प्रिट इज ट्वेंटी इन टू टी टेन टू हंड्रेड मीटर्स तो टेन सेकेंड में जब टेन सेकेंड में उतना जब जब तक टर्निंग पर पहुंचेगा पुलिस वाहन तब तक वो टू हंड्रेड मीटर पहुंच चुका होगा मतलब कल्प्रिट बाइक से टू हंड्रेड मीटर पीछे होगा दैट इज पुलिस जीप इज टू हंड्रेड मीटर बिहाइंड फ्रॉम द बाइक व्हेन इट रिच द टर्निंग बिहाइंड फ्रॉम द बाइक एट द टर्निंग जब पुलिस वैन पहुंचेगा 200 मीटर तब तक वो आगे निकल गया होगा भाई फ्रॉम द बाइक एट द टर्निंग टर्निंग पर जब पुलिस वैन पहुंचेगा तब एट द टर्निंग नाउ अब उसको कैच करना है पकड़ना है अब रिलेटिव स्पीड देखेंगे स्पीड ज्यादा है पुलिस वैन पुलिस थी जीप का तो निश्चित तो रूप से उसको कवर पकड़ लेगा कैचअप करेगा तो अब रिलेटिव स्पीड देख लेंगे पुलिस वैन का इसके कल्प्रेट के एस्पेक्ट में तो भी पी माइनस वी सी डैट इज ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी डैट इज दैट इज फाइव मीटर पर सेकेंड अब फाइव मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड हुआ है उसको कैच अप करना है अब उसमें अब हमको टाइम चाहिए कितने अथी स्पीड वेलोसिटी मिल गया और डिस्टेंस भी दिया हुआ है डिस्टेंस भी है टू हंड्रेड मीटर है तो कितने टाइम में अब उसको अथी कैच करेगा कितने टाइम में कितना टाइम लगेगा उसको पहुँचने में तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज़ टू हंड्रेड अपॉन फाइव दैट इज फोर्टी सेकेंड अब फोर्टी सेकेंड में अब जीप जो पुलिस जीप है उसके द्वारा डिस्टेंस कवर होगा वो ट्वेंटी फाइव इंटू फोर्टी दैट इज वन थाउजेंड मीटर दैट इज़ वन किलोमीटर वन किलोमीटर डिस्टेंस उसको वन uh, किलोमीटर डिस्टेंस uh, कवर करके उसको uh, कवर करना होगा उसको कैचअप करने में तो ना लेटिव स्पीड ऑफ द बाइक पुलिस जीप विथ रेस्पेक्टू वाइप विथ रेस्पेक्टू बैक ना ना लेटिव स्पीडीव स्पीड ऑफ द पुलिस जीप रिलेटिव टू बाइक कल्प्रिट बाइक रिलेटिव टू बाइक रिलेटिव टू बाइक कल्प्रिट बाइक इज स्पीड ऑफ पुलिस विथ रस्पेक्ट टू कल्प्रिट भीपी सी इज गल टू बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन भी पी माइनस भी सी स्पीड ऑफ द पुलिस 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 जीप माइनस कल्प्रिट बाइक पुलिस जीप स्पीड है ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड, डेट इज 5 मीटर पर सेकंड। अब है जो है डिस्टेंस जो कवर करेगा डिस्टेंस स्पीड निकल गया रिलेटिव स्पीड अब डिस्टेंस आपका है टू टू हंड्रेड मीटर तो टाइम टेकन टाइम टेकन बाय द पुलिस चीफ टू कैच कैचअप टू कैच अप द कल्प्रिट बाइक कल्प्रिट बाइक इज टी इक्वल्स टू डिस्टेंस दो सौ मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था लेटिव स्पीड इसलिए ले लिए हैं दो सौ मीटर डिस्टेंस टर्निंग से चला गया था दो सौ मीटर पीछे था पुलिस बहन तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज डिस्टेंस इज टू हंड्रेड मीटर एंड स्पीड ऑफ द पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू कार इज ए टू हंड्रेड मीटर अपॉन फाइव दैट इज फोर्टी फोर्टी सेकेंड फोर्टी सेकेंड में वो कैच कर लेगा फोर्टी सेकेंड में कैच कर लेगा पुलिस जीप कल्प्रिट को फोर्टी सेकेंड में कैच कर लेगा वो कर लेगा वहाँ तो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा देयर फोर डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड बाई पुलिस जीप पुलिस जीप टू कैचअप द कल्प्रिट बाइक पुलिस जीप टू कैचअप द कल्प्रिट बाइक इज बाइक इज चूंकि कल्प्रिट आगे की ओर जा रहा है टर्निंग से टर्निंग से दो टर्निंग पर जब पुलिस वाहन पहुंचेगी तब तक 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होगा और आगे जाएगा तो टर्निंग से कितना डिस्टेंस पर पकड़ लेगा उसको तो वही डिस्टेंस निकालना है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है पुलिस जीप का इज ये डिस्टेंस तो डी इजकअल टू डिस्टेंस एक्स हो गया इजक्ल टू वेलोसिटी स्पीड ऑफ द पुलिस कार भी पी मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इजकल टू वैलोसिटी इन टू टाइम स्पीड इजकल टू टाइम सो डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इन टू टाइम वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार का जो था पुलिस कार का 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर दैट इज़ 90 90 मल्टीप्लाइड बाई फाइव बाई एटीन तो 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो जो है 40 सेकेंड रिलेटिव टाइम हम निकाले थे दैट इज़ 25 फाइव इंटू फोर फोर इज़ फोर्टी दैट इज़ वन थाउजेंड वन थाउजेंड किलोमीटर वन थाउजेंड मीटर दैट इज वन मीटर वन किलोमीटर वन थाउजेंड किलोमीटर दैट इज़ वन किलोमीटर वन किलोमीटर डिस्टेंस टर्निंग से फ्रॉम द टर्निंग टर्निंग से रोड के टर्निंग से वन किलोमीटर डिस्टेंस पर जाकर के उसको रोड पर वन किलोमीटर टर्निंग से एक किलोमीटर डिस्टेंस जब जीप uh, एक किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना होगा पुलिस जीप को तब कल्प्रिट को कैच कर लेगा फ्रॉम द टर्निंग फ्रॉम द टर्निंग दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉ दिस पार्टी इज इन डेट दिस पार्टी इज ओवर नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट फाइव Very soon. Thank you very much.